आज सेंटर फॉर केयर एंड क्योर ऑफ कैंसर के ट्रस्टीज़ ने मुंबई के इस्लाम जिमखाना में एक मशवरती मीटिंग की और फंड रेजिंग के सिलसिले में 11 नवंबर को सेलिब्रेशन हॉल में होने वाले ऑल इंडिया मुशायरे का जिक्र करते हुए लोगों से मदद की अपील की। वो ऐसा है ना, किसी लोगों को मुश्किल होती है ना कुछ। ये मर्ज में जब आप जब आदमी जाता है तो खानदान के खानदान कर्जदार बन जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुहेल भाई के साथ तक मुख्य क्योंकि मैं बिगनर से शुरू से मैं आपके साथ हूँ और भाई देखता हूँ शख्स हर साल कहते हैं 10 साल में सर 30 लाख हो गए, इस साल 40 लाख हो गए। अगर आज अगर आप लोगों का साथ अब होगा तो हमें कोई मुश्किल नहीं होगी और ज़्यादा लोगों को एटलीस्ट हमारे जो आने वाले आते हैं उनको हम ना तो नहीं बोलेंगे, हमसे जो होगा वो कोशिश करेंगे। मैं इस भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वो पहली मीटिंग में मैं भी था उन्हें वहाँ और कहा कैसा करेंगे। चंद लोगों ने हमें कहा कि चलो हम 10 लाख तक देंगे, लेकिन सुबह ने जो 5% का जो किया है मैं इसका मैं भी ट्रस्टी हूँ और हमारे खान साहब और बहुत से हमारे कमेटी मेंबर्स हैं सब ने कहा सुबह बहुत अच्छी है। मैंने मेरे स्टाफ को ये हिदायत दी है कि जो भी कैंसर की मदद के लिए आए ना उसको पहले कुर्सी पर बिठा, उसको बोलो अगर खुदा मतलब उस वक्त चाय बट रही हो चाय हम पी रहे हो तो उसको चाय ऑफर करो, अगर चाय ऑफर चाय का टाइम नहीं है कम से कम एक गिलास पानी उसको दो और उसको इज्जत से फॉर्म दो, फॉर्म देकर वो फॉर्म फिलअप करके जो फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा तो मेरे पास लेके आओ। ये इतना अक्टूबर मैं जानता हूँ कि कल मैं यूसुफ भाई को झूठ बोल सकता हूँ, मैं फारूक सैयद को झूठ बोल सकता हूँ, मैं मिश्रा को झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं रब को कैसे झूठ बोलूंगा? वहां तो हर चीज खुली है ना किताब की तरह। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो ये काम है आपको मुतमइन है, हम रमजान के महीने में ज़कात भी लेते हैं और वो ज़कात जो है वही ज़कात मुसलमानों में बटती है। अभी आपको हैरत होगी यूसुफ भाई, मुझको पता नहीं, मेरा जो आया अकाउंटेंट मेरे को बोला सर अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए आ गए दावत हनिया की तरफ से, बोला बहुत अच्छा है। अभी ये हॉल में चार कोने हैं, चार कोने में चार पिलर बैठे हुए हैं, एक पिलर मोहम्मद अली शेख हैं जो खामोशी से बैठते हैं लेकिन बहुत बड़ा काम करते हैं पीछे से रहकर, उनकी खामोशी बहुत खामोश जिंदगी जो बसर करते हैं गोवा गहरे समुंदर में सफर करते हैं। इस्लाम खाना में और यूसुफ भाई से कोई काम लेना है तो पहले यूसुफ ये मोहम्मद अली भाई की खामोशी से गुजरना पड़ता है, ये जितने खामोश होते हैं उतना जो है भयानक उनकी खामोशी होती है। मोहम्मद अली भाई साहब हैं, इमरान अली साहब हैं, इमरान फाउंडेशन के बहुत जिम्मेदार बहुत एक्टिव, बल्कि फेसबुक पर सिर्फ इमरान अली ही दिखाई देते हैं। हम चाहते हैं कि ट्रस्ट के लिए हमारे आपकी नजरे करम नजरे इनायत और इस हमारे हॉल में बहुत मासूमी बहुत प्यारी शख्सियत जिसकी मासूमियत की मिसालें दी जा सकती है, निसार साहब है हमारे दरमियान, उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी हमारे लिए हौसला बख्श है। और निसार भाई जितना देते थे मुझे लगता है कि उससे डबल आपको देते रहेंगे इंशाल्लाह। आज ही हमारे दरमियान प्रिंसिपल कमलेश मिश्रा है मेरे बाई तरफ, ये अपने आप को बहुत कम आंकते हैं, मैं समझता हूं कि जितनी इनकी हैसियत है जी, और हमारे साउथ मुंबई में नवनीत नाइट डिग्री कॉलेज चलाते हैं, बल्कि शहर में इस कोने से उस कोने तक कई डिग्री कॉलेज के आप प्रिंसिपल हैं, बानी हैं, फाउंडर हैं, बहुत खामोश। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।